अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, सत श्री अकाल। तो क्या है भाइयों के? तो भाई टाइम हो रहा है अभी 8, और भाई आज जो है पूरी रात ही बर्फ पड़ी है भाई। अभी मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से चादर गया भाई साहब, पूरा बुरा हाल हो चुका है। अभी रियान भाई कहीं गए हैं और फैसल भाई अपने ले गए। फैसल भाई, कैसा लग रहा है आज का सफर? बहुत बढ़िया। सो जाओ, नींद आ रही सो है। जाओ। तो भाई ये सब जो है इस टाइम कंफ्यूज हैं। अभी मैं खोलता हूँ इसको और मैं दिखाता हूँ आपको अभी बैक कैमरे से। ओफो, हम कह सकता हूँ अल्लाह की कसम, क्या जबरदस्त नज़ारा यार! इससे बेहतर नज़ारा मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्फ है। अब मसला यह पड़ रहा है कि आज हमें निकलना था, मगर आज तो नहीं निकलना होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ हो रही है। 4x4 ही गाड़ी चल पा रही है बस यहाँ पर। बारिश सारी की सारी बाइकें, मतलब की सारी गाड़ियाँ बंद हैं। ओफो भाई भाई भाई, क्या लुक ला रहा है, मगर ठंड भी बहुत ज़्यादा है, -4 के आसपास है। तो भाई देख सकते हैं आपके, क्या खतरनाक हो रहा है। और यार ये कुछ कतर जो है यहाँ पर भाई, क्या भाई कुत्ते की मस्ती ले रहे हैं यहाँ पर डॉगी भाई। मैंने जैसा आपको बताया था कि क्या कर रही, बर्फ पड़ रही है भाई, अलग ही लग पा रहा है, मगर भाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। तारों पे भी देख सकते हैं आप किस कतर मोटी मोटी बर्फ हो रही है भाई, कुछ हटके अलग ही यार। मेरा हाथ ज्यादा बहुत ज्यादा कप कपा रहे हैं, इसलिए वीडियो शेक भी हो रही होगी। तो भाई इसको इग्नोर करें, बस नज़ारों पर गौर दें आप। अब सामने वाला पहाड़ दिखते ना तो और भी अच्छा लुक हो जाता। मैं आगे कुछ यूं नहीं जा रहा हूँ तो क्योंकि यहाँ की पे जो हाल है हो गया आज तो? पानी पानी हो जाता है। भाई क्या कहना चाहेंगे आप इस बर्फ के लिए जो आज रात से पड़ रही है? ये बर्फ 1-1 फुट हो चुकी है। ये कम से कम 1-1 फुट है। जी बड़ा मामला खराब कर रखा है इस बर्फ ने। दे रात उधर दे उधर फुट। दे उधर दे उधर दे। ओ भाई, ओ भाई भाई भाई, ये देखो कैसे कैसा ये पेड़ों वगैरह पे से गिर रही है और मेरे पैर जो है बहुत ही ज्यादा ज्यादा वाले ठंडे हो रहे हैं। तो मैं चल रहा हूँ अंदर और भाई हाथ ज्यादा बहुत ही ज्यादा शेक कर रहा है मोबाइल। वह पैकिंग हो चुकी है, मैंने नजम भाई सब चीज पैक कर लिया आपने, बिल्कुल रेडी है, और अपने रियान भाई ने सब चीज देख ली है, सही करके देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल हमने सब पैक कर लिया। तो भाई मसला ये हुआ छोटा सा कि हमारे जो जूते थे बहुत ज्यादा गीले थे और भाई पिन्नी वगैरह लगा कर पहने हैं। पहले 2 जोड़ी मोजे पहने, फिर ऊपर से पिन्नी लगाई, फिर उसके बाद भाई हमने लगा लिया है इधर वाले जो मोजे होते हैं वो पहनने के बाद फिर भाई गीले ही जूते पहनने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास और है नहीं, सिर्फ यही लाए थे हम रखकर। और भाई बाकी टोपा वगैरह मफलर वगैरह सब चीज डाल लिया है और पैकिंग करके अभी जा रहे हैं सीधा बाहर। आप नज़ारा देख सकते हैं एक दफ़े, क्या A1 नज़ारा हो रहा है भाई। और आज जो भरपूर बर्फ पड़ी है वो तो भाई कुछ के नहीं नहीं उसके। तो भाई अब सीधे वहीं जा रहे हैं और बाहर जाके दिखाते हैं आपको कुछ नज़ारा। हेलो, तो भाई अभी जा रहे हैं नीचे की ओर और यहाँ पे एक मसला हो चुका है। ओ भाई यहाँ तो भाई घुटनों घुटनों हो रही है, जैसे अपना पानी खड़ा हो जाता है। ये बर्फ का लाल वागे ने तो अपने पास रखो भाई रूम की चाबी। और भाई यहाँ पर तो चलने में काफी ज्यादा भाई, ये गाड़ी जो है यहाँ पे फंस चुकी है, गाड़ी जो है पीछे से स्लिप हो रही है शायद, ये देख सकते हैं। ओ भाई, ओ भाई, अमेजिंग लुक। क्यों गए वो? घर को गए होंगे। तो भाई कुछ ज्यादा ही बर्फ हो रही है। मैं गिलास रख लेना अपनी जेब में। हेलो, तो भाई मैंने जो है अपने गिलास दे दिए हैं रियान भाई को और बैटरी यार बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी ड्रेन हो रही है इसकी। तो देखते हैं जितनी भी देर की बनती है, 1 मिनट लगभग हो ही गई है। तो भाई भाई सभी जगह बर्फ ही बर्फ हो रही है और सामने से भी आ गए, इधर से भी आ गए, मेरे को जंप जंप करनी पड़ी। ओ भाई, पांव स्लिप हो रहे हैं भाई। भाई हम यहाँ पे थे, ये जो है गंदारा होटल, अच्छी प्रॉपर्टी है, मतलब सही है, काफ़ी अच्छा आराम दिया इन्होंने हमें, मतलब कि खाने की भी कोई परेशानी नहीं हुई, सब चीज़ बिल्कुल टाइम की ज़रूरत पे ही मिल जाती थी रात को भी। चलो फिर चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको कुछ और नज़ारे।
ये हमारे अजहर भाई जो हैं ये गाड़ी पे नाम लिखने की कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं हो पा रहा। ये देख, ओ भाई साहब ऊपर से बर्फ गिर रही है मेरे ऊपर को, गलिए निकलिए। गुड गुड तो भाई माल रोड के पास आ गए हैं हम लोग और अभी सज्जन आगे ही चल रहे हैं, लगभग सबसे पीछे मैं ही हूँ क्योंकि मेरे पैर बहुत ज्यादा स्लिप हो रहे हैं और ये कल जो गिरे थे ये लाल टी शर्ट वाले। अदर भाई किधर गिरे थे आप? उधर इधर इधर। तो भाई यहाँ पर कुछ फोटो शूट करेंगे, अभी जा रहे हैं एक एक करके लाइनिंग पर, तो अभी लगाएंगे और फिर दिखाएंगे आपको थोड़ी देर के बाद, और जैसे जैसे मिलता रहेगा वो आपको दिखाते रहेंगे भाई। तो भाई यहाँ पर फोटो शूट हो रहा है और अच्छी खासी भीड़ भी लग रही है सुबह से ही, और बर्फबारी में खूब लोग खेल रहे हैं और हम भी काफी इंजॉय ले रहे हैं। उधर बन रहा है आइसमैन, तो भाई को काफी मजा आ रहा है। अजहर भाई तो भाई उल्टे सीधे फोटो खींच रहे हैं। हाँ जी रियान भाई, जी भाई क्या कहना चाहेंगे आप, कुछ कह दो। भाई फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हमारा और यहाँ जरूरत से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। धर्राटे काट दिए भाई बर्फ ने, तो काफी धर्राटे काट दिए हैं, कितने धर्राटे काट दिए कि भाई रास्ता वगैरह सब बंद है। अब देखो अब क्या प्रोग्राम बनता है, आज जाना है या नहीं जाना है, वैसे आज तो जाना ही था। हाँ तो रियान भाई आज जाएंगे इंशाल्लाह, पहुंच जाएंगे ना इंशाल्लाह, पहुंच जाएंगे। अभी कैसा आ रहा है फोटो? अपना फैसल लेटा हुआ है इधर। तो भाई 3 मिनट हम जो है बहुत देर से खेल रहे थे तो सांस फूलने लगा ऐसे इधर। रियान भाई हाथों को कैसे ठंड लग रही है? कुछ भी नहीं, हाथों को कैसे ठंड लग रही है भाई? लाल पड़ गए हाथ, सुनो तो भाई देख सकते हैं आप कि हाथ लाल हो चुके हैं बिल्कुल बुरी तबीयत से, यहाँ तक कि फोटो खींचने को भी दिल नहीं कर रहा किसी चीज को भी, बस दिल कर रहा है यहाँ के नजारे। OMG आ जा भाई, सब चल रहे हैं भाई सब, चलो भाई चलो। अब जा रहा है रूम के पास, रूम पे जाके जो है ये वाला पार्ट का मैं एंड कर दूंगा, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट चालू कर दूंगा जब हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ओ लाल, तो भाई जूते भी जो है ना बुरी तबीयत से, आप देख सकते हैं किस कदर वाइट हो रहे हैं, यानी कि बर्फ से हो रहे हैं भरपूर।
यार मेरे जूते स्लिप हो रहे हैं बहुत सारे, अभी पता नहीं क्या प्लानिंग चल रही है यहाँ पर। तो भाई यहाँ पे केसर लेने का प्रोग्राम है इनका, ओरिजिनल पूरा दाना इसका गलेगा, आर्टिफिशियल होगा, घास प्लास्टिक नहीं गलेगा, और गलने के बाद में इसका कलर, उसका स्मेल, फ्लेवर फिर आना चाहिए। देखो आप चेक करो उसका स्मेल लेकर, मैं सब कुछ सुनो, खीर बनाओ, दूध बनाओ, बिरयानी में डालो, सब में चलती है केसर। अच्छा दूध में मिक्स करके चेहरे पे भी लगाते हैं। मैं बता देता हूँ उसकी पहचान, देखो आप चेक करो स्मेल, दिखाओ दस सबको, एक दाने का बर्फ के अंदर डाला, अभी सब गर्म चीज में डालोगे ना तो ज्यादा मेहनत छोड़ेगा। ये इसकी पहचान है, कभी भी शिलाजीत लेना। तो भाई शिलाजीत की पहचान देख लीजिए आप लोग भी, ये लो भाई, जल रहा है, जलाओ जलाओ जलाओ, गर्म तो करो बेसा, कोई खराब नहीं होगा, ये कोई आग नहीं पकड़ेगा, ओरिजिनल जो है ना, बस अब इसका जितना मर्जी इसका लाइन ले जाओ, इसका लाइन जब तक गर्म रहेगा ना, इस तरह सूता निकालो इसका, फिर शिलाजीत का सूता नहीं टूटेगा। ओ माय गॉड, तो भाई ओरिजिनल की पहचान, इन्होंने सूते का सूते निकाल दिया। अगर आप देख सकते हैं 600 रुपए का 100 ग्राम, 60 रुपए का 10 ग्राम, 60 रुपए का 10 जो मर्जी ले लो, जो मर्जी लोगे नहीं बिखर जाएगी, बिखर जाएगी वैसे नहीं बिखरेगी, कास्ट इसे तोड़ोगे ना तो टूट जाएगा, ये फिर हो जाएगा। वैसे जितना मटर का दाना आता है 600 रुपए का 100 ग्राम, ये पैकेट 600 रुपए का, सोफ्टी खाएगा तो भाई 600 रुपए का 100 ग्राम है, तो सोफ्टी भी खाएंगे भाई, सोफ्टी भी लेनी है। गोमूत्र आएगा, थोड़ा मत मानना, दूध में जितना मटर का दाना आता है उतना तोड़ कर दूध में डाल देती है। ओ भाई स्टेमिना सबसे बढ़िया रहेगा इससे, तो इधर भी फोटो शूट सोफ्टी के साथ भैंस की आँख। चलो तो भाई, भाई वापसी आ चुके हैं होटल में परेशान होकर के, और हाथ बिल्कुल सुन हो गए थे, इतनी ठंड है यार, इतनी बर्फ से खेल लिए तो कुछ ज्यादा ही हालत खराब हो गई, तो सारे के सारे भाई यहीं पे ही खड़े हैं। तो भाई कैसा लग रही है मौसम? मौसम तो बहुत हसीन हो रहा है, चूल्हा नहीं है चूल्हे के दरवाजे भाई को। तो और चचा क्या, कितने देर में निकलना है? 10-15 मिनट में भाई, जो भी आए अपने फुल तैयारी से आए, यहाँ पर बर्फ में बहुत चलना भारी हो जाता है। जी जी बिल्कुल जी, किसी गाड़ी की पीछे गाड़ी ना खड़ी करे, परेशानी आती है, किसी के पीछे तो भाई बिल्कुल भी ना करें, तो भाई स्लिप हो जाते। ये भाई हैं थे लखनऊ के, बात करो जाओ अंदर। तो भाई कैसा लगा? लाइट ऑन कर, तो लाइट भागी हुई है। तो भाई किस टाइम आया था? बहुत मजा आया, एक वीक रुके हैं यहाँ पे, इतना ज्यादा मजा आया है कि बता नहीं, मतलब इससे ज्यादा आपने बर्फ देखी नहीं अभी तक? फर्स्ट टाइम देखा, फर्स्ट टाइम। ओ भाई, तो भाई अलग ही लुक लग रहा होगा आपको तो। भाई ये तो पहली बार आए थे, और हम भी खेल वैसे पहली बार आए थे, पहली बार ही देखी इतनी बर्फ, और इतनी काफी दिनों में पड़ी है। तो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, फिर करेंगे नेक्स्ट पार्ट चालू, क्योंकि अभी जो है अब सामान पैकिंग करके सीधा जाना है गाड़ी पर। तो फिर मिलता है अगली बार।